नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट एकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये प्रैक्टिस सेट है, अभी जो गोस्वामी सर की नई लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो इसमें मैं आपको 1 नंबर से लेकर के 63 नंबर तक क्वेश्चन करवाऊँगी, और हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं वो कौन से प्रश्न हैं। रघुनाथ महापात्रा, जिनका निधन 9 मई 2021 को हो गया, भारतीय कला जगत में किस विधा के कारण प्रसिद्ध थे? ए चित्रकला, बी ग्राफिक कला, सी रेत कला, डी मूर्ति कला। तो ये दोस्तों मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषता है? ए धार्मिकता, बी सांसारिकता, सी भोग विलास, डी यथार्थता। तो हमारी जो भारतीय चित्रकला की विशेषता है वो है धार्मिकता, यानी धर्म प्रधान रही है। अगला प्रश्न देखिए, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी ए ग्वालियर, बी भोपाल, सी झांसी, डी होशंगाबाद। पंचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है, कौन सी पशु है जो रामपुरवा के अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर बना था, वो इस समय राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है? शेर, हाथी, चीता और बैल। तो वो था बैल, इसको आप वृषभ भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, शीला ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया? ए गगनेन्द्र नाथ टैगोर, बी यामिनी राय, सी अवनीन्द्र नाथ टैगोर, डी अमृता शेरगिल। ईसा की सूली का जो दृश्य है वो यामिनी राय ने चित्रित किया है। निम्नलिखित में से शीतल वर्ण है, अर्थात ठंडा रंग है? ए लाल पीला, बी नीला हरा, सी बैंगनी नारंगी, डी कोई नहीं। तो इनमें से शीतल वर्ण यानी ठंडा वर्ण है नीला और हरा। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव दिखाई दिया? ए राम कुमार, बी जॉर्ज ब्रॉक, सी गगनेन्द्र नाथ टैगोर, डी एम एफ हुसैन। तो सबसे पहले घनवाद का प्रभाव गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्रों में दिखाई देता है। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यानुभूति में सहायता मिलती है? ए 2 3 5 8, बी 1 2 3 4, सी 1 3 6 9, डी 2 4 6 8। तो ये है आपका 2 3 5 और 8। अगला प्रश्न देखिए, भरहुत स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने की थी? ए जॉन मार्शल, बी राखल दास बनर्जी, सी अलेक्जेंडर कनिंघम, डी कॉकबर्न। भरहुत स्तूप की खोज की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1818 ईस्वी में। किस कला में सर्वप्रथम मूर्तियां गढ़ी गई? ए भरहुत, बी अमरावती, सी मथुरा, डी गंधार। तो सबसे पहले मूर्तियां जो गढ़ी गई वो मथुरा में गढ़ी गई। अगला प्रश्न देखिए, धूलि चित्रों की रचना प्राय की जाती है? दोस्तों धूलि चित्र वो होते हैं जो जो कलर ड्राई होते हैं, पाउडर के रूप में होते हैं, उसको धूलि रंग कहा जाता है। तो उसको जिससे वो बनता है उसको धूलि चित्र कहा जाता है। तो इसकी रचना प्राय की जाती है ए भूमि पर, बी कैनवास पर, सी कागज पर, डी कपड़े पर। तो ज़्यादातर भूमि पर की जाती है, हम लोग रंगोली वगैरह बनाते हैं तो उसी को धूलि चित्र कहा जाता है। सबसे पहले तरंग लंबाई, सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ण कौन सा होता है? ए पीला, बी बैगनी, सी लाल, डी नीला। तो लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है और जो कंपन होता है वो सबसे कम होता है। इसी का उल्टा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम तरंग लंबाई और सबसे ज़्यादा कंपन युक्त वर्ण कौन सा हो, तो वहाँ पर आपका बैगनी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है? ए चतुर्भुजी विष्णु, बी अवलोकितेश्वर, सी त्रिमूर्ति, डी पंथेरा। तो एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प है त्रिमूर्ति। अगला प्रश्न देखिए, उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है? ए लिथो प्रिंटिंग, बी लिनोलियम, सी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, डी कोलाज। तो उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता है लिनोलियम में, इसका एक रबर होता है उससे प्रिंटिंग की जाती है, जिसमें प्रिंटिंग जो है वो उभरी हुई सी रहती है। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? ए कांचीपुरम, बी एलोरा, सी माउंट आबू, डी खजुराहो। कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है? ए हीगेल, बी क्रोचे, सी टैगोर, डी टॉलस्टाय। तो ये कथन जो है वो हीगल का कथन है।
किस विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है जो छपकर सीधी दिखती है? ए ग्राफिक, बी कोला, सी एक्रेलिक, डी म्यूरल। तो वो विधा है आपकी ग्राफिक की। अगला प्रश्न देखिए, चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री चिपकाकर चित्र बनाने की पद्धति कही जाती है? ए कोलाज, बी सेरीग्राफी, सी बाटिक, डी एक्रेलिक। तो उसे कहा जाता है कोलाज। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, आपसे नहीं पूछ रहा है। ए सुरेंद्र कर, बी शैलेंद्र नाथ डे, सी रथिन मित्रा, डी मुकुल चंद्र डे। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा रथिन मित्रा। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर बनाया गया है? ए सियालकोटी, बी हरीरी, सी दौलताबादी, डी संगानेरी। तो ये बनाया गया है सियालकोटी कागज पर। अगला प्रश्न देखिए, इंडियन वीनस के नाम से विख्यात शाल भंजिका 10वीं सती कहाँ प्रदर्शित है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर, सी इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, डी भारत कला भवन वाराणसी। तो इंडियन वीनस के नाम से जो विख्यात शाल भंजिका, ये मूर्ति गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में रखी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, जुन्नार यानी जुन्नार की गुफाएं या जिसको गणेश लेनी भी कहा जाता है, ये गुफाएं कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश। तो वो है आपका महाराष्ट्र, जुन्नार की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में प्राप्त है? ए 10, बी 9, सी 26, डी 16। तो ये 26 नंबर की गुफा में मिला है। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं की प्रवाह मानता यानी गतिशीलता तथा लयात्मकता हृदय ग्राही है? ए जयपुर, बी कांगड़ा, सी मुगल, डी किशनगढ़। तो ये होगा आपका कांगड़ा। अगला प्रश्न देखिए, श्रृंगार रस की जननी है ए रति, बी रौद्र, सी करुण, डी लावण। तो श्रृंगार रस की जननी है रति। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक माना है। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ ने पाल शैली का संस्थापक किसे माना है? ए शहाबुद्दीन मनोहर, बी अब्दुल समद बिर सैयद अली, सी धीमान वित्तपाल, डी कोई नहीं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा धीमान और वित्तपाल को। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ माना जाता है ए कल्पसूत्र, बी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी, डी सी उत्तराध्यन सूत्र और डी सुपासना चरियम। तो ये है आपका कल्पसूत्र। अगला प्रश्न देखिए, औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? ए 29, बी 30, सी 33, डी 34। तो एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध पद्मासन में यानी पलथी मारकर बैठे हुए हैं जिनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? ए कटरा टीला मथुरा, बी तक्षशिला गंधार, सी औरंगाबाद महाराष्ट्र, डी कौशाम्बी प्रयागराज। तो ये जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कटरा टीला मथुरा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, श्रवण बेलगोला स्थित भगवान बाहुबली गोमतेश्वर की 18 मीटर यानी 57 फीट ऊंची और विश्व भर में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे खड़ी सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनवाया गया? इसकी एक एक लाइन को ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में एक ही पत्थर से बनी और बिना किसी सहारे के खड़ी और सबसे लंबी मूर्ति किसके द्वारा बनवाया गया है? ए गंग राजा, बी चामुंड राय, सी कृष्ण प्रथम और डी राज राय। तो ये चामुंड राय के द्वारा बनाया गया था भगवान बाहुबली की प्रतिमा। अगला प्रश्न देखिए, 12वीं शती का कागज पर चित्रित प्रथम ग्रंथ है ए कल्पसूत्र, बी उत्तराध्यन, सी ध्वन्यालोक, डी सुपासना चरियम। तो ये आपका चित्रित ग्रंथ है ध्वन्यालोक। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रत्नाकर द्वारा सन 1451 ईस्वी में अपभ्रंश शैली में चित्रित वसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ सुरक्षित है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बी प्रियर आर्ट गैलरी, गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन, सी ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, डी मुनि दया विजय संग्रह अहमदाबाद। तो ये स्थित है प्रियर गैलरी ऑफ आर्ट वाशिंगटन में। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला की पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य जो चैतन्य की जीवनी चित्रित कर कला क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कहलाए? ए नंदलाल बोस, बी असित कुमार हलदार, सी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार, डी सुधीर रंजन खास्तगीर। तो वो थे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। अगला प्रश्न देखिए, सूर सागर के रचनाकार हैं ए सूर सागर, बी कबीरदास, सी रहीमदास, डी रसखान। तो यह सूर सागर नहीं होगा, यहाँ पर सूरदास हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सूरदास। तो सूर सागर के रचनाकार है सूरदास। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य केशव दास केशव द्वारा रचित दो प्रमुख ग्रंथ हैं ए रामायण,
रामचरितमानस, बी रसिक प्रिया कवि प्रिया, सी बिहारी ससेल ललित ललाम, डी रसराज और नगर समुच्चय। तो किशोर दास ने रचा है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। अगला प्रश्न देखिए, कल्प सूत्र के लेखक हैं ए पाणिनी, बी विल्हड़, सी भद्रबाहु, डी यशोधर। कल्प सूत्र लिखा था भद्रबाहु ने। अगला प्रश्न देखिए, 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नगर समुच्चय किसका है? ए जय सिंह, बी सावन सिंह, सी राम सिंह, डी निहाल चंद। तो ये जो ग्रंथ है वो है सावंत सिंह का, किशनगढ़ के राजा थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला का उद्भव हुआ ए गुहा चित्रों से, बी तालपोथी चित्रों से, सी मुगल चित्रों से, डी भित्ति चित्रों से। तो जो उद्भव हुआ है वो गुहा चित्रों से हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा को निभाने वाली चित्रकला शैली है ए राजस्थानी, बी मुगल, सी पहाड़ी, डी कंपनी। तो वो शैली है राजस्थानी। ये कहा भी जाता है कि अजंता की परंपरा अगर जीवित हुई तो कहाँ, तो वो कहा जाता है कि राजस्थानी में पुनर्जीवित हुई है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ हुआ 15वीं सती, बी 16वीं सती, सी 17वीं सती, डी 18वीं सती। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है नवजागरण नहीं पूछा जा रहा है, प्रथम नवजागरण पूछा जा रहा है, तो वो उसकी सती हो जाएगी 15वीं सती, लगभग राजस्थानी कला का समय। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठ पूजा के दृश्य चित्रित किए? छठ। अगला देखिए, इसका ऑप्शन देखिए, ए हुलास लाल, बी सेवक राम, सी शिवराम, डी ईश्वरी प्रसाद। तो वो हो जाएंगे सेवक राम, ये कंपनी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न देखिए, गढ़ी कला केंद्र नई दिल्ली के पहले निदेशक कौन नियुक्त हुए? ए शंको चौधरी, बी डी पी राय चौधरी, सी मंजीत बाबा, डी अमिताभ दास। तो वो थे शंको चौधरी। मुकुल चंद्र डे किस संस्था यानी संग्रहालय के अध्यक्ष बनाए गए? ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली, भी भारत भवन भोपाल, सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, डी विश्व भारती कोलकाता। तो ये बनाए गए राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनाया गया? ए जोगेन चौधरी, बी प्रभु जोशी, सी आर के जोशी, डी एम एफ हुसैन। तो वो थे जोगेन चौधरी। अगला प्रश्न देखिए, अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ए सन 2000, बी 1964, सी 1955, डी 1984। तो इनको सम्मानित किया गया सन 2000 में। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार शंखो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? ए अमूर्तवादी प्रभाव, बी स्वतंत्र शैली, सी घनवादी प्रभाव, डी उद्धरण शैली। इनके में दिखाई देता है घनवादी प्रभाव। अगला प्रश्न देखिए, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर कहा है? ए सूजा, बी यामिनी राय, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी एम एफ हुसैन। यामिनी राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा गया है। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र का अंकन प्रतीक है? ए बुद्ध का जन्म, बी बुद्ध का परिनिर्वाण, सी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति, डी बुद्ध के प्रथम उपदेश। तो धर्मचक्र का जो अंकन प्रतीक है वो बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक। अगला प्रश्न देखिए, दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्षी की प्रतिमा संरक्षित है? ए बिहार संग्रहालय पटना, बी भारतीय संग्रहालय कोलकाता, सी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, डी पटना संग्रहालय पटना। तो ये संग्रहित है पटना संग्रहालय पटना में। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2013, बी 1941, सी 1976, डी 1978। तो अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया यूनेस्को के द्वारा, वो घोषित किया गया 2013 में, क्योंकि 2013 में इनके 100 वर्ष पूरे होते हैं। इनका जन्म हुआ था 1913 में और 2013 में इनका 100 वर्ष पूरा हुआ, इसलिए यूनेस्को ने इसको अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकार गोपाल चंद तथा लाल चंद किस शैली से संबंधित है? ए कालीघाट शैली, बी राजपूत शैली, सी पटना शैली, डी अपभ्रंश शैली। तो वो है पटना शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है कहलाती हैं? ए ललित कलाएं, बी प्लास्टिक आर्ट, सी अमूर्त कला, डी व्यावसायिक कला। तो यहाँ प्लास्टिक आर्ट से आप प्लास्टिक में समझिएगा, प्लास्टिक आर्ट होता है रूपप्रद कला। तो ये उत्तर सही हो जाएगा आपका, रूपप्रद कला यानी प्लास्टिक आर्ट। सुनैनी देवी चित्रकार हैं ए बंगाल शैली की, बी कालीघाट शैली की, सी पटना शैली की, डी कंपनी शैली की। तो सुनैनी देवी जो हैं बंगाल शैली की चित्रकार हैं, ये पहली भारतीय महिला कलाकार मानी जाती हैं।
अगला प्रश्न देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? ए 1907, बी 1905, सी 1901, डी 1913। तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। जो रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है क्या कहलाती है? जैसे ए लयात्मक रेखा, बी सीधी रेखा, सी वक्र रेखा और डी चक्राकार रेखा। तो ये कहलाती है वक्र रेखा। ये रेखा अपनी दिशा बार बार बदलती है। अगला प्रश्न देखिए, फ्रेस्को सीको प्रविध में चित्रण किया जाता है? ए भित्ति की अंतिम गीली सतह पर, बी भित्ति की आंशिक नम सतह पर, सी भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर, डी कोई नहीं। तो फ्रेस्को सीको में किया जाता है भित्ति की अंतिम सूखी सतह पर चित्रण किया जाता है। लिपटवा घिर्रा चित्रण कहलाती है? ए स्वतंत्र चित्र, बी चित्रण प्रविधि, सी चित्रों के सेट, डी चित्रण शैली। तो ये कंपनी शैली में बनता था, ये चित्रों के सेट कहे जाते हैं। 6 चित्रों का सेट होता था जिसको लिपटवा घिर्रा चित्रण कहा जाता था। अगला प्रश्न देखिए, वसली क्या है? ए एक प्रकार का कैनवास है, बी प्रविधि है, सी माध्यम है, डी एक प्रकार का कागज है। तो वसली जो है ये एक प्रकार का कागज है, ये भी कंपनी शैली में तैयार किया जाता था। एक के ऊपर एक कई कागज चिपका करके ये तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, तेल और पानी के प्रतिरोध के सिद्धांत पर आधारित प्रविधि है? ए सेरीग्राफी, बी थर्मोग्राफी, सी लिथोग्राफी, डी लेजर प्रिंटिंग। तो वो है लिथोग्राफी। वर्ण का प्रथम गुण है? ए स्वतंत्रता, महिमा, गति, बी वर्ण शून्यता, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, सी रंगत, बल, सघनता, डी मुख्य रंग, द्वितीय रंग, तृतीय रंग। तो वर्ण का जो गुण है वो है रंगत, बल और सघनता। अगला प्रश्न देखिए, सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सम्रांगण सूत्रधार सोमेश्वर के द्वारा रचित ग्रंथ है और इसमें जो है अंतराल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए भूमि बंधन, बी स्थान निरूपण, सी रिक्त स्थान, डी स्थान। तो उसमें अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि है? ए औपचारिक संतुलन, बी क्षेत्रफल नियम, डी अनौपचारिक संतुलन, डी कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कोई नहीं। और ये है मेरी वीडियो का अंतिम प्रश्न। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारतीय भित्ति चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचियों को एक साथ प्रदर्शित किया? ए भीमबेटका में, बी एलोरा में, सी बादामी में और डी अजंता में। तो वो आपका हो जाएगा उत्तर अजंता में। हमारी वीडियो को इसी तरह देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।